स्केच इतना बन गया था, मैंने ये बारह भी बंद करके रखना पड़ा दोनों ने। सिंतु का सीन जबरदस्त माशाल्लाह, वाह भाई वाह गजब। हेलो गाइस, और क्या हो सारे? तो मैं अस्त्र भाई का स्केच तो बना लिया, पूरा कौन बनाया थोड़ा सा बाकी है, तो आज मेरे हिसाब से शायद बन जाऊंगा पूरा। तो मत दिखाऊं एक मिनट किताब बना ली। स्केच इतना बन गया देखो, या इतना पार्ट बन गया, या केप बाकी है नहीं थी, या केप आउटलाइन बनी पड़ी ना, और ये टी शर्ट का इतना हुआ बाकी है। तो मैंने ये स्केच स्टार्ट करा ना कम से कम 6-7 दिन हो गए, और ये अभी तक भी पूरा होने, क्योंकि बीच बीच में मैंने टाइम भी मिलता था स्केच के लिए। अब स्केच बनाने के लिए टाइम चाहिए था कि रेगुलर 1 घंटा 1.5 घंटा, यानी रेगुलर 1-1.5 घंटा मिल जाओ। अब स्केच बनाना मन टाइम मिल रहा था आधी घंटा, अब आधी घंटा पेंसिल वगैरह छिला करा तो भी मिल जाओ, तो 2-3 दिन समझ आए। मैं 10 मिनट भी मिल रही थी, तो मैं 10 मिनट बनाना बैठा था जब जाकर अभी तक इतना कम्प्लीट होया, और आज या फिर शायद कल तक स्केच कम्प्लीट हो जाऊंगा। फिर कल असर बांध दूंगे वीडियो एडिट करके, स्केच की वीडियो एडिट करके, और स्केच दोनों असर बांध दूंगे, और स्केच की रील हैगी जो थे इंस्टाग्राम पर देख लियो मुशरफ आर्टिस्ट। तो अब मैं स्केच बनाना बैठूंगा, और भाई एक तो जो थे हर मिनी व्लॉग में देखो गर्मी गर्म, एक तो मेरा रूम बैंक गर्म पड़ा, दूसरी चीज मैंने ये बारह भी बंद करके रखना पड़ा दोनों ने, क्योंकि अगर बारी खोल कर रखो ना तो माटी उड़े, फिर माटी की वजह से जो पेपर वगैरह है ना, पेपर पर माटी होता ही पेपर खराब हो जाओ, और इसके थोड़ा मतलब डल सा रखने लगता। तो गर्मी तो एकदम रूम गर्म बढ़ रहा है, और अभी मैं बारी के लिए खोल गया क्योंकि आवाज़ गूंज नहीं के लिए, तो बस ये वीडियो बना के फिर वो जो बारी बंद करना पड़ेगा, और पंखा बंद कर रखा हूँ अब 2 मिनट ही, मैंने पंखा बंद कराना एकदम मतलब गर्मी सी लगने लगी, फिर कभी इलाज करना पड़ सके कुछ। अब बकवास कम करके स्केच बनाना बैठूंगा, नहीं तो आज भी पूरा होने हुआ है। मैं बोला था ना स्केच बनाना से पहले पेंसिल छीनना में टाइम लग जाओ, तो कुछ ई टाइप से छिले जाओ, ई कटर से छिले जाओ, तो एक मैंने कम से कम भी 10-15 मिनट लग जाओ, आराम आराम से छीनना पड़े, नहीं तो ये रिफिल जो भी है गोली वगैरह ये टूट जाओ, और यदि इधर टूट भी जाओ ये टूटे भी तो मतलब इतनी इतनी बड़ी टूटे है एक साथ में। तो अभी तो टाइम हो रहा है 2 बजे, खाना खाना टाइम हो गया, तो मैं अब खाना खाऊंगा, फिर बाद में शाम को देखूंगा तो या भोज बनाने बैठूंगा, शाम का मतलब दोपहर में थोड़ा आराम करके थोड़े से काम वे करके, फिर बाद में शाम का खेलने से पहले जाऊंगा थोड़ा बहुत बना के चल जाऊंगा। तो आज ने रात तक यानी पूरा करना है ये क्या क्या करके, अभी इतना कम्प्लीट हो गया। थोड़ा इतनी तेज पड़ रहा, बाहर निकलना मन भी कौन करे, लेकिन हम थोड़ा सा बीमार हो रहा, तो सुबह से खाना कौन खाया, तो बिगले थोड़े से दुकान कर नहीं है, बिगले थोड़ा सा फ्रूट लेकर रहा हूँ, गर्मी इतनी पड़ रही दुकान में आन रखना पड़ रहा है, पूरा प्लास्टिक से कवर कर रखे। फ्रूट में कुछ मिल रहा था तो खाली केड़े मिले, तो मैं सब्जी ले आया, अब फ्रूट शाम को बाजार से ले खाऊंगा। कहाँ जा रहे हो सर भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में, आप इतनी मेहनत करते, आदत की खराब कर रहा है। केले केले किंतु कसी, तो आज है दूसरा दिन, और कल मैं इस केस ने बस इतना ही बना पाया था सुबह, तो कल मैंने सुबह सुबह तो बना लिया था, मैं फिर सोचा था कल की इन शाम को ही बनाऊंगा, लेकिन शाम को फिर मैं कोई काम में लग गया था, फिर शाम का टाइम ही कौन मिला, बिग वजह से मैंने फिर एडिटिंग में भी लेट हो गई थी, तो रात में एडिटिंग भी कम से कम मैंने एडिटिंग करता करता भी 1:30-2 बज गई थी। तो अभी मैं इन बनाने बैठूंगा, मैं रूम में कौन बना रहा, मैं हॉल में बनाने बैठू, क्योंकि रूम तो बड़ा ज्यादा गर्म बढ़ रहा, कुछ ज्यादा ही गर्म बढ़ रहा, तो अभी मैं स्केच बनाऊँ, और जितना जल्दी हो सको मैं जितना जल्दी पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो फाइनली 6-7 दिन बाद में अब जाकर कंप्लीट है भाई, बहुत टाइम लगे, बहुत टाइम लगे, या नहीं 3 या 4 दिन में कंप्लीट हो जाता, लेकिन बीच बीच में एक तो काम आ गया, और प्लस वीडियो वगैरह बनाना हुआ ना, व्लॉग वगैरह एक ही वीडियो, तो बिग माइंड टाइम लगा, तो अब जाकर फाइनली कंप्लीट है, और कमेंट में बताया कि किसा बनाया। ये स्केच तो कंप्लीट हो गया, इना का नाम है अशरफ, लेकिन ये लिखवा है असराना, ये असराना नाम लिखवाए, तो पहले मैं वो नाम लिख दूं, तो फाइनल नाम भी लिख दिया, और कुछ आया का लग रहा है। अब स्केच कंप्लीट होने के बाद सबसे पहला काम ये पेंसिल वगैरह ना सकलन मटेरियल ना ये बॉक्स में घाल दो, तो
इस केस का काम तो कंप्लीट हो गया। अब बाकी है रील, जो मैं इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करूंगा भी रील ने एडिट करना बाकी है, तो वो एडिट करूंगा फिर आज या निकाल तक असर पहने इस केस देखा दूंगा। तो फाइनली मैं आज इस केस देना चाहूँ, इस केस कम्प्लीट होने के बाद भी आप कम से कम 10-15 दिन हो गए और आज इस केस देना चाहूँ, क्योंकि असर पहने का टाइम मिल रहा था ना, तो मन टाइम कौन मिल रहा था, मन टाइम मिल रहा था, असर पहन कौन मिल रहा था, इस हिसाब से इतना टाइम निकल गया और अभी मैं फाइनली इस केस देने जा रहा हूँ असर भाई। तो इस केस बुक में पढ़ा पन्नी में पैक कर दिया था ताकि ये जो ब्लैक ब्लैक ना क्या टच हो तो खराब नहीं हो, तो स्केच एकदम पन्नी में सेफ है। एक ये स्केच है और एक ये भी पड़ा, ये भी भाई अभी तक लेकर आऊंगा, तो अभी मैं ये स्केच की बैग में डालूंगा और बैग में लेकर जाऊंगा। आंधी पिछले दिनों में इतनी आई है, रूम में भी मट्टी आई थी, अब बैग भी भारी पड़ा था, ये भी खराब हो गया, इन भी धुलना पड़ा। डबल मोड़ा भी उड़ा गोलोल विलेज गए थोड़ा कितने जाए, बहुत तगड़े में बड़ा भी आया, भले ही टाइम कितना पड़ा था दूसरी चीज फेमस है मैं बैग लेके जाऊँ तो लोग मतलब मोला रहा, तो फिर देखने लग जाओ भाई मिल गया, दो मिनट में भी मोबाइल तो अच्छा अच्छा लोकेशन होगा ना, दिखा देता अब असनैन ने भेजा हूँ, लेकिन अभी मैं तो असनैन के ना गया, आसू भाई कोई काम जा रहे थे, मोबाइल थे वापस जो आसू भाई ने दिखाना था वो असनैन के मोबाइल में, इसलिए मोबाइल थे वापस से जाओ काम जाए, तो अभी मैं असनैन का नाम भाई चप्पल पहले दूसरी इधर ठंडा पानी आसू भाई आगे क्या टाइम है 11:30 का नाम लिया 11 बजे आगे पहले तो वीडियो दिखा तो फाइनली आज कम से कम 16 है ना 26 तारीख ने स्टार्ट करा था, मैं भी चेक कर रहा हूँ 26 ने जो ये व्लॉग की फर्स्ट क्लिप है और आज 9-10 तारीख होगी आज या फाइनल हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आई है और स्केच पसंद आए तो लाइक कर दियो कमेंट कर दियो, हाँ बता देता अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दियो कमेंट कर दियो और आएंगे नई नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दियो। सब्सक्राइब सक्कर बारा।